बीजेपी का स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला जारी है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जनता को सिर्फ गुमराह करने में जुटे हैं। बीजेपी का स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला जारी है। बीजेपी का कहना है कि सीएम केजरीवाल जनता को सिर्फ गुमराह करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने कहा, स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला लगातार जारी है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। बता दें कि बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो आरोप आप सांसद स्वाति मालीवाल पर लगाए जा रही हैं वो बेहद निंदनीय है। स्वाति मालीवाल को बीजेपी एजेंट बताना पूरी तरह से समझ से परे है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि पूरी घटना सीएम आवास में हुई है, उसके बाद भी आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। आवास के अंदर के घटनाक्रम ने उनके अंदर की असलियत को इस सीमा तक उजागर किया है कि आज उस घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि विभव कुमार के पास कोई आधिकारिक पद मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो सीएम आवास पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अभी आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है। हम तो आम आदमी की पार्टी है, यही वक्तव्य था ना। आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विभव कुमार जो सीएम आवास में मौजूद थे, क्या उनके पास अपॉइंटमेंट मौजूद था? ये पहली बार हुआ है जब किसी सीएम आवास पर मारपीट की गई हो। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।